हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज में डाउनलोड्स की लोकेशन कैसे चेंज करते हैं। होता क्या है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट एज में कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज में पहले से ही एक फोल्डर डिसाइड होता है जिसमें वो फाइल जा करके सेव हो जाती है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमने एक फोल्डर मान लीजिए कि डेस्कटॉप पर बनाया है और हम ये चाहते हैं कि जो भी फाइल है हम माइक्रोसॉफ्ट एज में डाउनलोड करें वो डेस्कटॉप के उस फोल्डर में सेव हो जो हमने बनाया है, मतलब उसकी लोकेशन हमें बदलनी हो, तो हम कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, मैं आपको फोल्डर पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, डेस्कटॉप पर मैंने एक फोल्डर बनाया है एज। ठीक है, अब इस फोल्डर का एड्रेस हम यहाँ पर सेव करेंगे क्योंकि जब हम उसके बाद हम जब भी जो भी फाइल हम माइक्रोसॉफ्ट एज में डाउनलोड करेंगे वो इसी फोल्डर में जाकर के सेव होगी। अच्छा, ये कैसे करना है, उसके लिए हमको राइट साइड में यहाँ देखिए ये थ्री डॉट मिलते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हमें जाना है सेटिंग में, ये रहा सेटिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए तो सेटिंग का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर देखिए ये है डाउनलोड्स का ऑप्शन, ठीक, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब फिलहाल देखिए ये लोकेशन है जहां पर फाइल जा करके सेव हो जाती है, डाउनलोड जो भी आप करते हैं वो फाइल यहां पर जा करके सेव हो जाती है सी ड्राइव में, न्यू डाउनलोड्स में। ठीक है, अब अगर इसे मैं चेंज करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, इसके ठीक सामने यहां पर देखिए चेंज का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक करिए और यहां से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये हमने डेस्कटॉप देखिए सेलेक्ट कर लिया। अब डेस्कटॉप पे हमें अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है जो कि है एज, जो हमने फोल्डर बनाया हुआ था इसको हमने यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ नीचे सेलेक्ट फोल्डर पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं कि सी यूजर अविश्री डेस्कटॉप एज, ठीक है, ये फोल्डर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। अब जो भी फाइल हम डाउनलोड करेंगे वो इस फोल्डर में जा करके सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डाउनलोड्स की लोकेशन चेंज कर सकते हैं।